Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Thank you very much for tuning into this video. If you are someone who's already subscribed, then you might know me. But for those who are new to this channel, hi my name is Shamli and in this channel I post content related to fashion and beauty. So if it's something that you might like watching do consider subscribing. I post videos every Sunday and Wednesday. Also I am active on shorts as well so stay tuned for that. Okay so we are done with our introduction. Now let's quickly talk about our video.

मैंने जब इसको ऑर्डर किया था आई थॉट दिस वॉज अ स्कर्ट मुझे नहीं पता था कि ये स्कॉर्ट है एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग स्कॉर्ट मुझे ये बहुत पसंद आया तो इस सेट की बात करें तो यहाँ पे एक ऐसा छोटो सा क्रॉप टॉप आता है ये एक ब्रालेट काइंड ऑफ टॉप है बहुत ही सिंपल सा है कुछ भी इतना डिजाइन नहीं है इसमें लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है इसका मटीरियल पॉलिएस्टर काइंड ऑफ मिक्स कपड़ा है लेकिन फिर भी मुझे इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी आई डोंट नो क्या है इसमें मैंने जब भी इसको पहना था आई फेल्स सो so टेबल इतना पसंद आया मुझे ये बहुत ही परफेक्ट है मतलब एवरी डे यूज के लिए बहुत ही परफेक्ट सा कॉर्ड सेट है इसमें इतना डिटेलिंग नहीं है तो so, इसमें ऐसे स्ट्रैप्स दिए हुए हैं यहाँ पे दो बटन्स दिए हुए हैं लेकिन इसका ये लेंथ थोड़ा सा लंबा है मुझे तो मुझे और दो होल्स पंछिन करना पड़ेगा ताकि ये मुझे अच्छे से फिट आए बाकी मुझे बहुत पसंद आया और फ्रंट में से स्क्वायर नेक और बैक में भी स्क्वायर नेक आता है पीछे यहाँ पे थोड़ा सा इलास्टिक काइंड ऑफ डिटेलिंग दिया हुआ है जो कि काफी भी है जिसके वजह से इसका फिट और अच्छा आया है ये मैंने एक्सरसाइज में लिया था एंड ये फॉरवर्ड बाय ड्रेसबेरी ब्रांड से है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा सेट सेट है ऐसा एक सेट अगर आप कहीं और खरीदने जाओ देन यू विल हैव टू पे पेउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड फॉर सेट लाइक दिस लेकिन आपको ये अंडर फाइव हंड्रेड मिलना इज अ स्टील डील मुझे ये बहुत पसंद आया कमिंग बैक टू द स्कॉट दैट इट केम विथ ये भी बहुत ही अच्छा है प्लेन ब्लैक कलर में है बहुत ही सिंपल सा है और ब्लैक कलर तो हर किसी को पसंद है सो दिस इज कप ऑफ टी और ये जैसे मैंने बोला एक स्कर्ट है स्कर्ट अगर आपको नहीं पता क्या है तो वो स्कर्ट प्लस शॉर्ट है दोनों तो को मिला के स्कर्ट बना हुआ है तो वो होता है एक्चुअली एक शॉर्ट है लेकिन दिखने में स्कर्ट लगता है जैसे अभी ये लग रहा है स्कर्ट लेकिन इसका ये अगर लेयर आप खोल ले तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक शॉर्ट लगा हुआ है तो इसके वजह से इसको स्कर्ट बोलते हैं ये फ्रंट से थोड़ा सा स्कर्ट के जैसा लगता है और पीछे से इसका शॉर्ट दिखता है

या फिर पिन कमेंट चेक करना बिल्कुल मत भूलना मैं वहाँ पे इसका लिंक दे दूंगी तो अगर आपको खरीदना है आप वहाँ से खरीद सकते हैं सो दैट्स टॉप है ब्लैक कलर का टॉप है जिसमे ब्लू पीच और पिंक के फ्लावर्स बने हुए हैं मुझे इसका ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक लगा और ब्लैक में ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही निखर के आ रहा है इसके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं समर्स में ऐसे फ्लोरल टॉप्स बहुत ही पसंद आते हैं मुझे ऑल्सो इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है बहुत ही लाइट वेट सा है लाइट वेट होने के बावजूद ये सीट बिल्कुल भी नहीं है तो आपको उसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं ये भी मुझे थ्री हंड्रेड समथिंग रुपीज़ का पड़ा था एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी आप चेक कर लेना एंड ये पफ स्लीवस में आता है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे इलास्टिक लगा हुआ है काफ़ी कंफर्टेबल है ये ऑल्सो इसका फिट भी मुझे बहुत पसंद आया काफी अच्छे से फिट हुआ मेरे पे ये मस्ट एंड हर्बर ब्रांड से है इसमें मैंने एक्सरसाइज लिया था और ट्वेल्व नाइन प्राइस लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल है फिर से. ये मुझे अंडर या 500 मिल गया था सो बहुत ही अफोर्डेबल है इसका लेंथ भी मुझे काफी पसंद आया बहुत ही डिसेंट सा लेंथ है ऑल्सो बस एरिया के नीचे यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे से प्लीट्स बने हुए हैं मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया हुआ है और बस एरिया के नीचे उल्टा स्वेट हार्ट काइंड ऑफ नेक बना हुआ है जो कि इसको बहुत ही अच्छा फिट बनाता है और उसके बाद यहाँ पे ये यह थोड़ा सा काइंड ऑफ है इसके वजह से बहुत ही अच्छा फिट आता है पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है पीछे से यहां पे इलास्टिक डिटेलिंग दिया हुआ है जो कि बिल्कुल स्ट्रेचेबल है एंड पीछे का नेक ऐसे स्क्वायर नेक में आता है और फ्रंट का नेक भी स्क्वायर नेक ही है मुझे ये टॉप काफी पसंद आया कैजुअल वेयर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है समर्स में ऐसे टॉप्स चाहिए होते हैं ये अफोर्ड टेबल भी है कंफर्टेबल भी है और स्टाइलिश भी है सो यू गाइस कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस अगर आपको ये देख के अच्छा लगा देन प्लीज बाय दिस मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पेन कमेंट में दे दूंगी

यूनिक पहनना तो दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक ये पुत्सम नाम के ब्रांड से है आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट मैंने इसको पहली बार मिंद्रा पे देखा है इसमें मैंने एक्सेस साइज लिया है और इसमें थ्री थाउजेंड सेवेंटी टू रुपीज लिखा हुआ है प्राइस जो कि बिल्कुल नहीं है मुझे ये आई थिंक फोर हंड्रेड समथिंग रुपीज का पड़ा था एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पर मैं कर दूंगी आप चेक कर लेना तो so, इस ड्रेस की बात करें तो ये वी नेक में आता है इसका नेक लेकिन थोड़ा सा डीप है अगर आप डीप नेक पहनने में कंफर्टेबल नहीं है

में पॉम पॉम लगे हुए हैं बहुत ही यूनिक सा कंफर्टेबल सा ड्रेस है मुझे ये काफी पसंद आया और बस एरिया के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड काइंड ऑफ बैंड दिया हुआ है ताकि ये आपकी वेस्ट को और थोड़ा सा सिंच कर दे उसके नीचे थोड़े थोड़े से प्लीव बने हुए हैं ताकि इसका घेर और अच्छे से आए ये एक फिट एंड फ्लैट ड्रेस है एंड इसके नीचे भी ऐसे पॉम पॉम्स लगे हुए हैं मुझे ये काफी यूनिक लगा और इसके बैक की बात करें तो ये फुल्ली कवर्ड है बिल्कुल भी कुछ शो नहीं नहीं होता ऑल्सो इसके फेब्रिक में कुछ तो एम्ब्रॉयडर या फिर कुछ टेक्स्टर काइंड ऑफ बना हुआ है जिस कलर का ये ड्रेस है उससे एक शेड लाइट है इसका ये टेक्स्टर आई डोंट नो अगर आप देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे ये फैक्ट भी इसका बहुत यूनिक लगा काफी यूनिक सा ड्रेस है कलर यूनिक है इसका डिजाइन यूनिक है इसका तो मुझे ये काफी पसंद आया एंड इसका फैब्रिक भी काफी सॉफ्ट है इसके अंदर भी लाइनिंग दिया हुआ है लाइनिंग का कपड़ा इज ऑल्सो क्वाइट सॉफ्ट पहनने पे बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं देता है काफी अच्छा ड्रेस है

और एक स्कर्ट आता है। पहले हम शर्ट के बारे में बात कर लेते हैं अगर आप में है, आपको फैशन अच्छा आप में ऐसे कपड़े कितना चलते हैं ऑल्सो चकर्ट बहुत चलता है में। मुझे ये देखते ही पसंद आ गया था ये टोक्यो टॉकिस ब्रांड से है इसमें मैंने एस साइज लिया है इसमें एटीन लिखा हुआ है लेकिन ये मुझे फोर हंड्रेड एंड समथिंग का परा था एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे अभी याद नहीं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी आप चेक कर लेना तो so, इसके शर्ट की बात करें तो ये एक कॉलर शर्ट है ये शॉर्ट स्लीव शर्ट है एंड ये क्रॉप लेंथ में आता है इसका कपड़ा काफी अच्छा है एंड इसका बेस कलर ब्लू है ऑल्सो यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक में चक्कर बने हुए हैं काफी कंफर्टेबल सा फैब्रिक है बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद मुझे इसका लुक बहुत पसंद आया यहाँ पे तीन बटन भी लगे हुए हैं बटन के कलर इसके सेट के साथ मैच किए गए हैं जिसके वजह से इसका लुक और अच्छा आ रहा है ऑल्सो शर्ट के पीछे यहाँ पे नीचे थोड़ा सा इलास्टिक दिया हुआ है ताकि ये और अच्छे से फिट हो सके मुझे ये बहुत पसंद आया ऑनेस्टली इसका कपड़ा इसका फैब्रिक का क्वालिटी इतना अच्छा है मतलब इतने कम प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगा कहा था कि इतना अच्छा कपड़ा आएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज ऑल्सो इसके साथ एक स्कर्ट भी आता है स्कर्ट लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा लूज है तो मुझे थोड़ा सा स्टिच करवाना पड़ेगा शर्ट लेकिन काफी कम्फर्टेबल है लेकिन स्कर्ट यहाँ से वेस्ट से थोड़ा सा लूज है मुझ पर सिंपल सा स्कर्ट है एक शॉर्ट स्कर्ट है ये मिनी नहीं बोलूंगी मैं लेकिन ये शॉर्ट है नी के ऊपर आता है इसका लेंथ ऑल्सो इसके नीचे यहाँ पे दो ट्रायंगुलर कटआउट्स दिए हुए हैं जिसके वजह से इसका लुक और भी अच्छा अच्छा आता है एंड पीछे यहाँ पे जिपर दिया हुआ है जिसको खोल के आप कंफर्टेबली इसको पहन सकते हैं इसका कपड़ा भी सिमिलर इसके शर्ट की जैसा ही है डिज़ाइन भी सेम है एंड कंफर्टेबल भी है पहनने में मुझे ये काफी पसंद आया इसका लुक काफी अच्छा आया था मैंने इसको जब स्टाइल किया था अपने लोफर्स एंड ब्लैक ब्रालेट के साथ इसका लुक बहुत ही अच्छा आया था फुल्ली कोरियन इंस्पायर्ड लुक आया था मुझे बहुत पसंद आया एंड आल डेफिनेटली रेकमेंड यू गाइस टू गेट दिस अगर आप कोरियन